For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. सभी बिग बॉस फैंस और सलमान खान फैंस के लिए है एक बुरी खबर, क्योंकि मैं भी सलमान खान फैन हूँ, मैं भी बिग बॉस फैन हूँ, तो मेरे लिए भी एक बुरी खबर है और वो क्या है चलिए बताती हूँ. वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा. मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति नाहक. बिग बॉस एक्सटेंड हुआ है, अच्छी खबर है. बिग बॉस TRP में छप्पड़ फाड़ के आगे निकल गया है, ये भी बहुत अच्छी बात है. लेकिन ये बात अच्छी नहीं है कि सलमान खान जो है वो शायद आगे के सफर में साथ नहीं रहेंगे. यस, वेल डेट्स की प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बिग बॉस ऑडियंस डिमांड पर एक्सटेंड किया गया है. ऐसे में डेट्स का इशू हो रहा है सलमान खान के साथ, क्योंकि उनकी राधे जो है वो उस दौरान शूट की जा रही होगी और वो शायद यहाँ नहीं होंगे उस वक्त, वो कहीं बाहर शूट कर रहे होंगे, जिसके वजह से उन्हें रिप्लेस करेंगी फराह खान कुंदर. जी हाँ, वेल आई नो फराह मैम इज डेफिनेटली अ वेरी गुड होस्ट, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि बिग बॉस सलमान के बिना इमेजिन करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. सलमान खान है तो ऐसा लगता है कि तो शायद बिग बॉस है, अगर सलमान नहीं है तो बिग बॉस भी नहीं है, ऐसा फील होता है हर बार. और सलमान को वीकेंड का बार पर ना देख पाना अपने आप में बहुत शॉकिंग चीज़ है, अपने आप में इट फील्स वेरी बैड. सो कहीं ना कहीं रियली 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 नॉट लाइकिंग दिस थिंग, बट स्टिल फराह मैम के लिए भी बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो आती हैं तो एंटरटेनमेंट और ज़्यादा बढ़ा देती हैं. सो आपका इस न्यूज़ पर क्या रिएक्शन है, हैप्पी या नॉट हैप्पी, कॉमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए. एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा को. मैं हूँ ज्योति नाहक, साइनिंग ऑफ.